पंजाब में किसानों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तमाम किसान पंजाब और हरियाणा के रास्ते दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था इस तरह से कड़ी की गई है, उसका असर अब दिल्ली की सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। ये डीएनडी फ्लाईओवर है और ये रास्ता नोएडा की तरफ जाने वाला है। आगे बैरिकेड्स लगाए गए हैं, एहतियातन वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और उसकी वजह से जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो एकदम स्लो हो चुका है डीएनडी पर। पिछले कई घंटों से लोग इसी तरीके से रेंगती हुई गाड़ियों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और ये पूरा जो नज़ारा है वो आपको अगले कई किलोमीटर तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि पिछले कई घंटों से इसी तरह से ट्रैफिक का मूवमेंट यहाँ पर बना हुआ है। बहुत स्लो ट्रैफिक यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रशासन ने यहाँ पर कदम उठाए हैं, किसानों को यहाँ नहीं आने देना है। पंजाब और हरियाणा के किसानों के अलावा उत्तर प्रदेश के किसान भी दिल्ली आ सकते हैं और इस वजह से आगे का रास्ता जो है वो बंद किया गया है। वहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और उसकी वजह से लोगों को अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऑफिस से अब लोग अपने घर जाने के लिए निकलेंगे तो अगले कुछ देर में यहाँ पर और ज़्यादा स्थिति खराब हो सकती है, क्योंकि ट्रैफिक का जो मूवमेंट है वो बहुत 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 ही ज़्यादा स्लो यहाँ पर नज़र आ रहा है। कई इमरजेंसी गाड़ियाँ भी यहाँ पर फंसी होंगी निश्चित तौर पर आगे, क्योंकि काफ़ी लंबा ये जाम लग चुका है। एम्बुलेंस भी इसमें फंसी हो सकती है। आप देखिए यहाँ पर पुलिस अधिकारी की एक गाड़ी जा रही है, वो भी ट्रैफिक में फंसी हुई है और इस तरह की न जाने कितनी ज़रूरतमंद लोग जो हैं वो अभी इस ट्रैफिक में फंसे होंगे। कोशिश प्रशासन की ये थी कि किसानों को यहाँ पर ना आने दिया जाए और उनके लिए जो रूट है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, लेकिन अब ये प्रशासन का जो कदम है वो आम लोगों को ही प्रभावित करता हुआ दिखाई दे रहा है। किसानों का जो संभावित प्रोटेस्ट दिल्ली में होना है उसके मद्देनज़र ये तमाम तरह की रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगाई गई है और अंत में आम जो लोग हैं, आम आदमी है, उसको ही इससे सफ़र करना पड़ेगा। आम आदमी ही इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, ये कम से कम यहाँ ये तस्वीर देखकर नज़र आ रही है। कैमरामैन गंगा सिंह के साथ रजनीश रंजन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। पंजाब में किसानों का जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। तमाम किसान दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली की सड़कें किसानों के लिए बंद की गई है, रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं और उसका असर अब दिल्ली की सड़कों पर भी देखने को मिल रहा है। ये डीएनडी का फ्लाईओवर है जो दिल्ली को नोएडा से जोड़ता है और सीधी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये आश्रम से नोएडा की तरफ आने वाला ये रास्ता है और रेंगती हुई गाड़ियां आपको दिखाई दे रही है। पिछले कई घंटों से लोग इसी तरह ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, इसी तरह रेंगते हुए वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये रास्ता देखिए, आपको पीछे का रास्ता दिखाते हैं, वो सीधे नोएडा की तरफ जाता है और पूरा जाम है, पूरा पैक है ये रोड। दिल्ली से नोएडा पूरी तरह से इस वक्त ट्रैफिक में फंसा हुआ है, लोग फंसे हुए हैं, ऑफिस से निकलने का ये समय है। अब देखिए अगले कुछ घंटों में यहाँ पर स्थिति और ज़्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि सड़कों पर गाड़ियों की जो संख्या है वो अब और ज़्यादा बढ़ेगी और उससे आम आदमी की जो मुसीबतें हैं वो और ज़्यादा बढ़ने वाली है। ये तमाम किसान जो हैं वो पंजाब और हरियाणा के अलावा उत्तर प्रदेश के किसान भी दिल्ली आने के लिए कूच कर चुके हैं यूपी के अलग अलग इलाकों से और उनको रोकना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है, प्रशासन के लिए एक चुनौती है। और आगे डीएनडी के पास में बैरिकेड्स लगाए गए हैं, वहां पर सुरक्षा बल तैनात हैं और इस वजह से गाड़ियों का जो मूवमेंट है, जो गाड़ियों की पासिंग है वो बहुत धीरे धीरे हो रही है और उसकी वजह से ये बड़ी परेशानी आम लोगों को इस वक्त दिखाई दे रही है। रेंगती हुई गाड़ियां आप देख सकते हैं, कई घंटों से इसी तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। निश्चित तौर पर प्रशासन ने अपनी ओर से ये कदम उठाए हैं ताकि दिल्ली की हालत और ख़राब ना हो, दिल्ली की सड़क अस्त व्यस्त ना हो जाए और इसकी वजह से वो किसानों को दिल्ली नहीं आने देना चाहते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें दिख रही है, प्रशासन का ये कदम अब आम लोगों की परेशानी का ही सबब बनता हुआ नज़र आ रहा है। कैमरामैन गंगा सिंह के साथ रजनीश रंजन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।